नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कलर? जिस तरह से आर्ट के एलिमेंट होते हैं, हमने आर्ट के एलिमेंट्स पढ़े, आर्ट के प्रिंसिपल्स पढ़े, उसी तरह से आर्ट की, कलर की, हर चीज़ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कलर? कलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं? देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर। कलर की टोटल तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ ह्यू, सेकेंड इंटेंसिटी, थर्ड वैल्यू। ह्यू, ह्यू क्या होता है? इस पिक्चर से हमें शो होगा ह्यू, जो आपके पास एक कलर की प्योर फॉर्म होती है, कोई भी वो कलर हो, ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइमरी कलर हो, वो सेकेंडरी कलर भी हो सकता है, वो टर्शरी कलर भी हो सकता है, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी हो सकता है। कोई भी कलर आपके पास सॉलिड फॉर्म में हो, प्योरेस्ट फॉर्म में हो, उसे ह्यू कहते हैं। लाइक आपके पास अगर ऑरेंज कलर है तो वो आपके पास प्योर ऑरेंज होगा, उसमें आप ना तो उसको डार्क करने के लिए ब्राउन ब्लैक मिलाओगे, ना वाइट लाइट करने के लिए वाइट मिलाओगे। जो आपके पास प्योर फॉर्म होगी कलर की, उसे ह्यू कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? हाउ विविड इट इज़, लो इंटेंसिटी ग्रेइश, हाई इंटेंसिटी ब्राइट। अब इंटेंसिटी में आता है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स होती हैं, उनमें कलर तो वो ही यूज़ हुए होते हैं। लाइक अगर एक पिक्चर में ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, येलो, इस तरह के कलर्स यूज़ हो रहे हैं, दूसरी पिक्चर में भी वही कलर यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्राइट सी हमें क्लोज होती हुई नज़र आ रही होती है, और एक पिक्चर बहुत डल डल सी लग रही होती है, ठीक है, वो होती है किसी भी कलर की इंटेंसिटी। नेक्स्ट वैल्यू, हाउ लाइट इज इट? लाइट वर्जन्स ऑफ कलर, टेंट, डार्क वर्जन्स, शेड्स। अब आपके पास वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज़ में आप ग्रे ऐड कर रहे हो उसको लाइट करने के लिए, डार्क, सॉरी, ग्रे ऐड कर रहे हो उसको डार्क करने के लिए, ब्लैक ऐड कर रहे हो डार्क करने के लिए, और टिंट फॉर्म उसको देने के लिए उसमें वाइट ऐड करते जाते हो इतना कि वो बिल्कुल आपके पास एक लाइट सा कलर आ जाता है वाइट, जिसमें और पेज में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है। ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ह्यू, इंटेंसिटी, वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन ह्यू। अब उन्होंने ह्यू को अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि बेसिकली ह्यू होता क्या है। ह्यू इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कलर विच सिंपली मीन्स द नेम गिवन टू अ कलर, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, एट्सेट्रा। क्या चीज़ होती है ह्यू? ये मैंने आपको पीछे समझाया है उस क्वेश्चन में कि कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है आपके पास एक कलर की, उसको ह्यू कहते हैं, जिसमें ना आपने उसको लाइट करने के लिए वाइट ऐड किया होता है, ना उसको डार्क करने के लिए उसमें ब्लैक ऐड किया होता है, वो प्योरेस्ट कलर की जो फॉर्म होती है उसको ह्यू कहते हैं। इधर ये इमेजेस से कुछ आपको शो हो रहा होगा, ये इमेजेस हैं उसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज़ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ कलर विच मीन्स ब्राइटनेस ऑफ कलर। वी कैन चेंज द इंटेंसिटी बाय एडिटिंग द ग्रे ऑफ द कलर। अब इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी सेकेंड प्रॉपर्टी है कलर की, विच मीन्स ब्राइटनेस ऑफ कलर। आप कलर को कितना ब्राइट कर रहे हो, आप कलर को कितना लाइट कर रहे हो उसमें ग्रे उसमें ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर बेसिकली क्या होते हैं? आपने ये डिफाइन करना है, द प्राइमरी कलर्स आर दोज कलर्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी अदर कलर। प्राइमरी कलर्स आर थ्री, रेड, येलो एंड ब्लू। अब प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कि हम किसी भी कलर को मिक्स करके नहीं ले सकते। ये तीन बेसिक कलर्स जो आप इस कलर व्हील में देख सकते हो, हमारे पास नेचुरली होते हैं, नेचुरल चीज़ों से लिए जाते हैं। इन तीन कलर्स को मिलाकर आप सेकेंडरी कलर बनाते हो, टर्शरी कलर बनाते हो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हो, बेतहाशा इनसे कलर्स बनते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास टोटल तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, और वो तीन कौन से हैं? रेड, येलो, ब्लू।